ब्रज की चौथी देवी है शीतला माता जी। शीतला माता मंदिर अति प्राचीन है। यह मंदिर मदन मोहन मंदिर के नीचे ही स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मोहन नामक एक बच्चा मदन मोहन मंदिर में रहता था, इसलिए उस मंदिर का नाम मदन मोहन पड़ा। वह बच्चा और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे और यह शीतला माता का मंदिर उसी समय से ही बना हुआ है जिस समय मदन मोहन मंदिर बना था। ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भी यहाँ शीतला माता का दर्शन करने अक्सर आया करते थे। माँ शीतला का मंदिर अत्यधिक प्राचीन है। यहाँ नवरात्रि के दिनों में भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आइए यहाँ के पंडित जी से जानते हैं कि शीतला माता के इस मंदिर की क्या महत्वता है। हम यहाँ मदन मोहन घेरा शीतला माता का मंदिर वृंदावन, मैया की महिमा ऐसी पाई गई है। हमने तो जन्म हमारा यहीं हुआ, मैया के चरणों में रही, इसको सूरज घाट भी मिलती है। और बासोड़े पे लोग खाना बनाते हैं, दिन दूसरे दिन फिर मैया का पूजा करने 4 बजे आते हैं। बासोड़े की मैया की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है। मंदिर माता का नाम है शीतला माता, हमेशा ठंडा चाहते हैं और जाने मैया को आशीर्वाद लियो तो सब आगे काम सफल भए। और अधिकतर बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार मैया का मिलता है। जैसे चमत्कार है मैया को तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इनकी प्रशंसा लोग करते रहते हैं, उसका लाभ भी मैया का मिलता है सबको, जय मैं देखा। और मैया की महिमा देखिए आप, जैसे वृंदावन में किसी लड़के की शादी होती है तो वो अपनी घरवाली को लेकर के सबसे पहले माँ की पूजा करने आएगा और फिर यहाँ वो कंडेर की लकड़ी जो होती है फूल वाली, उससे वो यहाँ साथ फेर लेते हैं और खेलते हैं दोनों मियाँ बीवी। माँ की ऐसी महिमा पाई गई है। और समझो कि कात्यायनी मैया भी हैं और नव दुर्गा में तो काफ़ी भीड़ रहती है मैया के दरबार में, या दर्शन करने आते हैं लोग। तो मैं मैया की माँ तो माँ है, माँ से बड़ी कोई बात है ही ना सके। माँ के विषय में जितना आप कहेंगे आपकी वाणी नहीं रुक सकती है। माँ माँ है, माँ का पूरा आशीर्वाद